सर्वप्रथम श्री जगन्नाथ जी के महाप्रभु के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, बलभद्र महाप्रभु के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और बलभद्र सुभद्रा देवी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। मेरा नाम अभिषेक व्यास है, मैं वर्धा जिला महाराष्ट्र हिंगनघाट से आया हूँ। लेकिन क्या नाम है अभिषेक जी? 16 साल हो गए। मेरा कर्म क्षेत्र जो है वो है कटक, यहाँ मैं पंडिताई करता हूँ और मेरे को उड़ीसा से बहुत प्यार है। यहाँ के लोग जो है बहुत ही अच्छे हैं और बहुत भोले भाले हैं, अन्य राज्यों के भी है अपने देश के अखंड भारत के, लेकिन उड़ीसा मेरे को बहुत अच्छा लगता है, मेरे को कटक से बहुत प्यार है, इसीलिए मैं अपना कर्म क्षेत्र कटक ही चुना हूँ। और कटक में जो पूरे भारत के अंदर सबसे ज़्यादा पूजा पाठ होती है, तो मेरे को ऐसा लगता है कि भाई उड़िया समाज के लोग और मारवाड़ी समाज के हमारे इतना पूजा पाठ और कोई शहर में नहीं होता जितना कटक में होता है। मेरे को यहाँ के लोगों से भी प्यार है, जगन्नाथ जी से तो है ही, ये क्षेत्र से है, पुरुषोत्तम क्षेत्र से, यहाँ के लोगों से प्यार है। जगन्नाथ जी से प्यार है, पुरुषोत्तम क्षेत्र से प्यार है, उड़ीसा वासियों से प्यार है। अच्छा एक चीज बताइए, जो जगन्नाथ जी को आपने दर्शन किए, अभी कितने साल से है आप कटक में? 16 साल। 16 साल यानी कि 16 चक्का पहिया बन गए आप जगन्नाथ जी के 16 पहिया जी हाँ। और एक बात और कहना चाहूंगा कि जो जगन्नाथ टीवी आपका जो चैनल है, इसको भी कोटि कोटि धन्यवाद है। आप सभी जो टीम वर्क जो कर रहे हैं और इसके माध्यम से मैं लाइव आप सब में पूरे उड़ीसा में और यहाँ तक कि पूरे वर्ल्ड में भी अगर ये आपका चैनल चल रहा होगा तो उस समय सब देख रहे हैं। वैसे अभी उड़िया में तो जितने वर्ल्ड में उड़िया लोग हैं वो तो देख रहे हैं, लेकिन उम्मीद है जगन्नाथ जी कृपा है शायद हो सके बहुत जल्दी बहुत सारे भाषा में ये आने वाला है। ये अभी आप लोगों का भी आशीर्वाद चाहिए। बहुत बहुत शुभकामनाएं। और यहाँ का जो प्रशासन है, जो मंदिर प्रशासन है, यहाँ की जो व्यवस्था, अब मैं 16 साल से आ रहा हूँ लेकिन अब देख रहा हूँ कि सही में वास्तव में ऐसा लगता है कि श्री धाम है, 4 धाम में से एक धाम जो जगन्नाथपुरी है। बहुत इसको दिनों दिन जो वृद्धि हो रही है, जो ये जो दिनों दिन वृद्धि हो रही है इसके लिए आप तारीफ कर रहे हैं, अच्छी बात है। आपने कुछ महसूस किया है जगन्नाथ जी को बुलाने से? जैसे 16 साल से आप मेरे ख्याल से 16 बार तो जगन्नाथ जी को दर्शन कर ही लिए होंगे, तो आपने कुछ महसूस किए? मैं महसूस करता हूँ जगन्नाथ जी से हृदय से एक ही समय में मैं जुड़ता हूँ, सही आपको बोलूँगा आपके अपने मन की बात। वास्तव में जब जगन्नाथ जी जब रथ पे चढ़ते हैं तो मेरे आंखों में आंसू आता है, और जब रथा रूढ़ो गच्छन्ति मैं रोने लग जाता हूँ, और अपने मन की जो भावना है वो आपके मन की भावना, वो आपकी भावना है, वो आपकी भावना है, वो अच्छी बात है। दर्शन भी करते हैं, वो भी प्यार है, सब लोग दर्शन करते हैं। आपने कभी वास्तविक जगन्नाथ जी है ये कभी महसूस किए? अपने अंदर से कोई अनुभूति है? बिल्कुल बिल्कुल है। परमात्मा हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट होई में जाना। प्रभु हर हर जगह है, इस समय यहाँ पे भी है, आप में भी है, मेरे पे नहीं है, लग नहीं रहा है। वो तो आप कह रहे हो वो कैसे सुनो आप किसी भी सुनिए, आप अपने पुराण बोलिए, आप अपना कुछ रियलाइज किए हैं, आपका अपना, वो कोई एग्जाम्पल कोई किताबों का नहीं, रामायण का नहीं, महाभारत का नहीं, किसने देखा है रामायण महाभारत? तो बहुत सारे, किसी पुराण में एक लिखा है, किसी पुराण में एक और लिखा है, तो आप अपना क्या महसूस किया है जरा अपने बारे ही बताइए। मेरे बारे में तो मैं ये महसूस किया हूँ कि मैं जब से यहाँ आया हूँ, मैं गांव में जब रहता था तो मेरे पास में पैसा नहीं रहता था, और जब मैं यहाँ आया जगन्नाथ जी के आंचल में क्षेत्र में आया पुरुषोत्तम क्षेत्र में, तो मेरा कर्म क्षेत्र इसलिए बनाया कि मेरे को यहाँ सभी बात से अच्छा रहा और मेरे को कभी किसी चीज़ की कमी नहीं गई। तो मैं तो ये चीज़ को मानता हूँ कि यहाँ के जो अधिपति देवता है, ब्रह्मांड नायक, अखिल ब्रह्मांड के नायक श्री जगन्नाथ जी महाप्रभु यहाँ विराजमान रहते हैं, और इनके आंचल में जो आता है, इनके साये में जो आता है, वो हमेशा सुखी रहता है, संपन्न रहता है। आपने एक अच्छी चीज़ बताए, महसूस किए जो है, जब मैंने उड़ीसा आया था तो मेरे पास एक पैसा भी नहीं था, चलो ये भी एक अच्छी बात है। और भगवान जगन्नाथ जी सबसे पहले जब आप यहाँ आ गए, आप लोग वहाँ पे कृष्ण कन्हैया जी ज़्यादा मानते हैं, ज़्यादातर गणपति बप्पा, हाँ गणपति बप्पा मानते हैं, तो इसमें जगन्नाथ जी को जो मानने के लिए आप तैयार हो गए? महाराष्ट्र के जो अधिपति देवता है पूरे महाराष्ट्र के, वो है श्री भगवान पांडुरंग भगवान, तो उनको पांडुरंग भगवान को सब मानते हैं, तुलजा भवानी है और गणेश जी भी है पुणे में, ऐसे तो सभी देवी देवता है, सबसे ज़्यादा पांडुरंग देवता की वहाँ पे मान्यता है, जो कृष्ण के ही स्वरूप है। हाँ तो उस हिसाब से आप जगन्नाथ जी को उसी रूप में देखने लगे? हाँ,
और उसी रूप में देखने लग गया। और यही नहीं है कि मैं उड़ीसा से ही प्यार करता हूँ, मैं महाराष्ट्र से भी प्यार करता हूँ। आपका अगर चैनल वहाँ दिखाए तो मेरे को महाराष्ट्र महाराष्ट्र वाले कहे बेटे वो, क्योंकि जननी जन्मभूमि स्वर्ग आदि गरी अशी। हाँ, तो ये जननी जो है वो हमारी जन्मभूमि है, वो तो हमारे को सदैव ही प्यारी रहेंगी। जैसे आपको उड़ीसा प्यारा है, वैसे हमको हमारा महाराष्ट्र प्यारा है। वो तो होना ही है, नहीं तो महाराष्ट्र वाले पिटपिटा देंगे जब जाओगे वहाँ पे, कभी वहाँ बैठ के उड़ीसा वाली बन गया तू, यहाँ कैसे आ गया भाई, चल तू फुट महाराष्ट्र से उड़ीसा जा। लेकिन वास्तविक मेरा भारत महान, हम सब भारतवासी है। और बाकी आपने बताए जो जननी जन्मभूमि स्वर्गादपि गरीयसी, ये जननी वो तो रहेगा। अच्छा, तो आप जय जगन्नाथ टीवी देखते हो? जी नहीं, मैं को उड़िया कम आता है। आप जो अभी उड़िया में बोले वो समझ में आ रहा है, लेकिन असल क्या कर रहे हो? अच्छा, छह दिन में सीख जाते हो महाराष्ट्र में? मैं आता जाता क्या, कैसे करते हो यहाँ पे? हम जो है रहते हो, इतने दिन हो गया। हमारे मारवाड़ी जो अग्रवाल और महेश्वरी परिवार है, यहाँ पर हम लोग पूजा करते हैं हिंदी साइड। अच्छा अच्छा, चलो कोई बात नहीं, ये भी अच्छी बात है। और वास्तविक वैदिक साहित्य में सिंह इज किंग बोलते हैं, अग्रवाल इज किंग है। यहाँ का जो अग्रवाल समाज है बहुत अच्छा समाज है, वो तो है ही है। जो है इन लोग क्या पूजा करके हमारा सब काम चलता है। नहीं, वो तो है ही है, क्योंकि वो वैसे एक रुपया नहीं देंगे। नहीं, हाँ मैं ये मानता हूँ वैसे ही नहीं देंगे, लेकिन अगर कोई सत्संग हो या कोई चीज हो तो 8-10 लाख रुपए ऐसे ही खर्चा कर लेंगे। पैसे नहीं गिनते हो? नहीं गिनते हैं। और दूसरी चीज उनकी एक, उनसे हमें सीखना है व्यवसाय कैसे होता है, तो उनसे सीखो। और दूसरी चीज, महीना एंड हो गया तो किसी का एक पैसा काटेंगे नहीं, ना किसी का एक पैसा फालतू में। ना ना ना, सही बात है, ठीक बात ठीक बात। इसीलिए तो लक्ष्मी उनके पास है, उतना ही पैर फैलाते हो। जितना चादर है इतना ही फैलाते। बहुत बहुत धन्यवाद, जय जगन्नाथ।